सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, एसआरके की डंकी मूवी का इससे बड़ा प्रमोशन कहीं भी नहीं हो सकता है। इंडिया में तो डंकी का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है, मेकर्स के साथ साथ पब्लिक भी डंकी का प्रमोशन कर रही है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं इंडिया से बाहर, यानी कि दोस्तों नेपाल में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहां पर दोस्तों नेपाल के जितने भी एसआरके के फैंस हैं, नेपाल में जितने भी दोस्तों डंकी मूवी के फैंस हैं, वो सभी लोग नेपाल के जितने भी थिएटर हैं, जितने भी मॉल्स हैं, और डंकी की टी शर्ट पहनकर आप जैसे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये इंडिया का नहीं है, ये नेपाल का है। नेपाल में बड़े बड़े डंकी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, ऑटो रिक्शा के पीछे डंकी के पोस्टर्स को लगाया गया है, ग्राउंड ऑडियंस को बताया जा रहा है, और नेपाल में भी डंकी की टी शर्ट को प्रिंट करवाकर बांट कर पहनाया जा रहा है, और डंकी मूवी प्लस एसआरके का बहुत ही तगड़ा प्रमोशन किया जा रहा है। अब आप लोग तो जानते हैं कि एसआरके इस समय वर्ल्ड के नंबर वन बिगेस्ट अभिनेता बन चुके हैं, एक्टर बन चुके हैं। जो दोस्तों डंकी मूवी आ रही है तो यूएई में तो ये चलना कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों वहां पर यूएसए में शाहरुख खान की बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है। बुर्ज खलीफा तक में डंकी का हमें ट्रेलर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर बात चल रही है ओवरसीज में, वो भी नेपाल जैसी कंट्री में एसआरके का इतना क्रेज बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेपाल की डे वन की जो कलेक्शन है, इसका इफेक्ट बहुत ही बड़ा हमें इंडिया में होता हुआ नजर आएगा। और डंकी मूवी फुल ऑन प्रमोशन के मोड में लगी हुई है। अब आप बताइए कि आप डंकी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।